मकर राशि आज का राशि फल यानी कि 8 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं आज के पंचांग के बारे में। आज तिथि है एकादशी, नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा, उसके बाद फिर पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है शुक्रवार और आज सूर्य उदय होगा 6:37 में और सूर्यास्त होगा 5:31 में। उसके बाद आज दिन होगा कुल मिलाकर 10:53:40 का। अभी महीना चल रहा है कार्तिक का। आज आपके लिए शुभ समय रहने वाला है 11:42 से 12:26 के बीच में। उसके बाद अशुभ समय है आपके लिए 8:48 से 9:32 तक और फिर है 12:26 से 1:10 तक। उसके बाद राहु काल शुरू होता है 10:43 से 12:04 तक और दिशाशूल है आज पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या फिर आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कतें हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपके सामने अभी लिखा हुआ है, तो आप देर बिल्कुल भी ना करें, नंबर वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये सामान्य से एक कदम नीचे है। अगर आप चाहते हैं आज स्वस्थ रहना पूरी तरह, तो इसके लिए आप काम करने के बाद आराम में कहीं कोई कोताही ना करें। अगर आप आराम पर्याप्त लेते हैं, जितना आराम आप नियमित लेते होंगे, आज आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा आराम कर लें, तो ये आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए ये फिर अच्छा रहेगा और आप तब बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। वैसे आज आपका आर्थिक हालात काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज आपको आपके कामकाज से अर्निंग काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है और आज अगर आप निवेश करते हैं तो इस निवेश के माध्यम से आपके आज के लिए और आपके कल के लिए हालात बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। लेकिन आज आप किसी भी काम को करते समय तनाव नहीं लें। अगर आप तनाव लेंगे तो ये फिर आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। वैसे परिवार के लिहाज से आपका आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आज आपके परिवार के लोग आपसे जो कुछ डिमांड करें, अगर वो डिमांड सही हो तो आप उनकी उन ज़रूरतों को पूरा करें, अन्यथा परिवार में फिर तनाव उत्पन्न हो जाएगा और ये फिर सही नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आप आज परिवार वालों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें, आपके लिए वही सही रहेगा। वैसे प्रेम के लिहाज से भी आज का दिन आपके पक्ष में नहीं रहेगा। हो सकता है आपके प्रेमी या फिर आपके प्रेमिका यानी कि आपके लवर आज आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज रहेंगे और इस वजह से उनका मूड आज खराब हो सकता है और आप उनको मना नहीं पाओगे आज। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम आज आ सकती है। वैसे व्यवसाय के लिहाज से दिन आपका 100 में से 100% सही है, आपके पक्ष में रहने वाला है। आज आपके काम काज में आपको फायदा ही फायदा होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके साथ काम करने वाले लोग आपके पीछे रहेंगे और आप आज सबों के केंद्र बिंदु रहने वाले हैं। आज आप जो भी करेंगे लोग उसे फॉलो करेंगे और आपके पीछे पीछे वो आने वाले हैं। वैसे आज अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है तो वो आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए सही नहीं होने वाला है। तो मित्रों, हम सब मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।